अब खबर कोटा जिले से है, जहां एंटलेन रोड पर चंबल नदी की पुलिया से गिरने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक पुलिया से काम करते हुए गिर गया था और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बूढ़ादीत थानाधिकारी भवर सिंह ने कहा कि युवक मजदूरी करने गया था कि काम करने के दौरान गिर गया, जिसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। बूढ़ादीत थाना क्षेत्र की जो हेडलाइन निकल दी है, इस हेडलाइन की चंबल ब्रिज का काम चल रहा है, उस पर मृतक हरिओम कंडारा निवासी ठाकरवाड़ा उम्र 22 साल, ये लेबर के रूप में काम कर रहा था। कल भी ये वहाँ पे पुल निर्माण में जो काम चल रहा है वहाँ लेबर के रूप में काम करने आया था। शाम को वहाँ काम करने के दौरान ये चोटिल होके यहाँ 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया था। तो ऊपर से गिरा था सर? अभी परिजनों को मतलब ये काम करने आया था तो ये चोटिल होकर यहाँ 108 से एम्बुलेंस से भिजवाने का और इसके साथी लोगों ने बताया कि इसकी चोट लगी है, उपचार के लिए यहाँ अस्पताल में भर्ती कराना बताया था। अब कारणों की जांच करेंगे कि किस तरीके से काम करते दौरान हुई या कहीं आते जाते गिरने से हुई, ये जांच का विषय है। अभी परिजनों से रिपोर्ट लेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया अकाल मौत 174 सीआरपीसी की कार्रवाई पंचायत नामा पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ। जैसी परिजन रिपोर्ट देंगे उस पहलुओं पर अपन जांच करेंगे। बूढ़ादीत